हम एक वेबसाइट पर आए हैं जिसका नाम है एनी वर्ड, ठीक है, anyword.com। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, मींस के जादू करती है। किस तरह से करती है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहला मेथड भी साथ बताऊंगा कि जिससे आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पर साइन इन है, स्टार्ट फॉर फ्री है। स्टार्ट फॉर फ्री के बटन पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, या ईमेल पासवर्ड दे के साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंटिन्यू विद गूगल किया, ठीक है, ईमेल दी। उसके बाद यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर रोल। यहाँ पर आप कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस ओनर हैं, स्टार्टअप फाउंडर हैं, एजेंसी ओनर हैं, कॉपी राइटर हैं, या कुछ भी हैं आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सिलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। जस्ट मी या कितने लोग आपके साथ काम करें, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि जस्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया, हाउ डिड यू हेयर अबाउट एस, आपने कहाँ से सुना, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्लॉग और पब्लिकेशन, ठीक है, या अदर के सामने करते हैं फेसबुक एड्स और ब्लॉग, ठीक है। हम ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन दे रहा है कि डिस्क्राइब द ब्लॉग और पोस्ट यू वॉन्ट टू क्रिएट, ठीक है। आप अपनी ब्लॉग पोस्ट बताएं कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम सिर्फ इसको नाम देंगे, ये ब्लॉग ऑटोमेटिकली लिख के दे देगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं बेस्ट लैपटॉप्स टू बाय अंडर $500, यानी कि $500 के अंदर अंदर कौन से बेस्ट लैपटॉप्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। चूज़ द इंडस्ट्री टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स यहाँ पर आप दे सकते हैं, लैपटॉप हम दे देते हैं लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पर आप और भी लैपटॉप्स भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर दो तीन कीवर्ड्स भी मैंने दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यह हमें टाइटल और सारा कुछ लिखा हुआ ऑटोमेटिकली दे देगा। टाइटल दे रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइटल इसने हमें दिए। इन टाइटल्स के साथ आगे रैंकिंग भी कर रहा है, साथ इन टाइटल्स की ये रैंकिंग भी कर रहा है कि आपके लिए कौन सा टाइटल बेस्ट है और ज़्यादा रैंक कौन सा करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये रख लेते हैं द बेस्ट लैपटॉप अंडर 500, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसकी रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं। इस पर आगे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन ये जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर हमें इसने 5 सेक्शन दे दिए, ठीक है, 5 डिफरेंट लैपटॉप्स के सेक्शन दे दिए, सेक्शन 1 2 3 4 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें इसने इंट्रो पैराग्राफ लिख के दिया, इंट्रो पैराग्राफ में ये बता रहा है कि ये कम रैंक करेगा, ठीक है, ये ज़्यादा रैंक कर सकता है और ये सबसे ज़्यादा रैंक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेल्स कितने आ रहे हैं, फीमेल्स इस पे कितने हैं, स्कोर इसका कितना है, किस एज के लोग इसको ज्यादा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें इसने अलग अलग सेक्शन दे दिए, ठीक है, हर चीज का सेक्शन, ऊपर टाइटल इंट्रो दे दिया, उसके बाद अलग अलग सेक्शन। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्रोम बुक के सेक्शन में हम आते हैं, यहाँ पर जनरेट टेक्स्ट लेंथ मीडियम रखना है, स्मॉल रखना है, लॉन्ग रखना है, कौन सा, जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्रोम बुक में इसने ऑटोमेटिकली हमें ब्लॉग लिख के दे दिया। नोटबुक्स के वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर भी जनरेट के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सारे जनरेट कर दिए, सबके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ चुका है और नीचे सबके वो भी लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है, नीचे इसकी सारी हेडिंग्स भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारा हमारे पास हो गया, 416 वर्ड्स का ब्लॉग लिखा आ गया, कॉपी ब्लॉग टू क्लिपबोर्ड ब्लॉग सारा कॉपी हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर गूगल डॉक्स में जाते हैं, पर आके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करके यहाँ पर हम सारा पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा सारा लिखा लिखाया ब्लॉग आ चुका है, बगैर किसी प्लेयरिज्म के, बगैर किसी चीज के। ऑटोमेटिकली आपके सामने मैंने एक वर्ड भी नहीं लिखा, सिर्फ इसको टॉपिक का नाम दिया, बाकी सारा